हेलो गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और जियो खान यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा और उसके अंदर अपन एक क्लास डिस्कस करेंगे ग्रेप्टोजोआ। ग्रेप्टोजोआ को ग्रेप्टोलाइट्स भी बोलते हैं, उसकी क्या क्या मॉर्फोलॉजी है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो फाइलम हेमिकोर्डेटा, देखो आपके तीन फाइलम है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। तीन फाइलम है, एक हेमिकोर्डेटा फाइलम है, एक आपका कोर्डेटा फाइलम और एक आपका इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, ठीक है। अब इन तीनों फाइलम में डिफरेंस क्या है बेसिकली? देखो कोर्डेटा फाइलम जो होता है उसके अंदर ट्रू पोजिशन ऑफ नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होती है। जैसे अपने ह्यूमन बींग्स है, वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी है, वो आपका सारा का सारा क्या कोर्डेटा फाइलम वाले हैं, ठीक है। अब हेमिकोर्डेटा के अंदर क्या है कि आपकी जो रीड जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जैसी स्ट्रक्चर तो मिलती है, लेकिन उसके अंदर ट्रू नोटोकॉर्ड की एब्सेंस है। दैट्स वाई वी आर केप्ट दिस फाइलम एज हेमिकोर्डेटा। मतलब उसका रिजेंबलेंस तो कॉर्डेट जैसा है बट वो ट्रूली कॉर्डेटा नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा हेमिकोर्डेटा से अलग कैसे है? देखो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो आपका हार्ड पार्ट है जिसको अपन टेस्ट बोलते हैं, वो क्या करता है, हार्ड पार्ट जो पूरा का पूरा है वो एक मेंटल थिन स्किन होती है उसकी, उससे कवर्ड रहता है। जैसे इसको ऐसे समझो कि जैसे ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर हार्ड पार्ट है और इसका क्या कर रहा है, थिन पार्ट जो मसल्स हैं जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो इसको पूरी तरह इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कोर्डेटा में क्या होता है कि ये जो हार्ड पार्ट है वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करता है, जैसे अपनी बॉडी है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो हार्ड पार्ट है वो क्या, अगर अपनी मसल्स को अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और हेमिकोर्डेटा क्या है कि इसके अंदर ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसकी रोड लाइक स्ट्रक्चर की रिजेंबलेंस तो मिलती है बट ट्रूली नोटोकॉर्ड की एब्सेंट है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट हेमिकोर्डेटा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा में क्या डिफरेंस है। नाउ इस हेमिकोर्डेटा की आपकी एक क्लास है ग्रेप्टोजोआ, और ग्रेप्टोजोआ को अपन ग्रेप्टोलाइट्स के नाम से भी जाते हैं, ठीक है। और ग्रेप्टोलाइट्स का मतलब क्या है, समथिंग रिटन ऑन स्टोन। जैसे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो जनरली ये बताता हूँ कि जैसे आप मान लो किसी पुराने किले में गए या फोर्ट में घूमने गए या पुरानी इमारत जो भी हैं जहाँ भी आप घूमने गए, तो दीवारों पे आप अपनी भी छाप छोड़ते होंगे, जैसे इस तरह का कुछ करके, ठीक है, करते होंगे। अगर नहीं किया है तो ट्राई कर लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है। सो चलो इसको छोड़ो। देखो अब इसमें जो दो क्लास हैं इसकी, ग्रेप्टोजोआ और ग्रेप्टोलाइट्स, इसका मतलब क्या है, समथिंग रिटन ऑन स्टोन। अब इसकी दो क्लास है, सब क्लास कौन कौन सी, डेंड्रोइडिया और ग्रेप्टोलोइडिया। अब जो डेंड्रोइडिया है ये आपकी प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं और ये जो ग्रेप्टोलाइट्स हैं ये आपके एडवांस्ड फॉर्म है। अब प्रिमिटिव फॉर्म और एडवांस्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि प्रिमिटिव फॉर्म जो है वो आपके बेंथिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ग्रेप्टोलाइट्स, तो आपका क्या होगा, डेंड्रोइडिया। आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेंथिक फॉर्म ऑफ ग्रेप्टोलाइट्स, तो आंसर अगेन डेंड्रोइडिया। और ये जो एडवांस्ड फॉर्म्स हैं ये आपकी कौन सी है, प्लैंक्टोनिक हैबिट की हैं। प्लैंक्टोनिक हैबिट का मतलब तो समझ गए कि दे विल फ्लोट एज द ओशनिक वेव डायरेक्शन, ठीक है, और दे आर द ड्रिफ्टर्स, ठीक है, दे कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द करंट डायरेक्शन। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से वेव जारी होगी वैसे वो फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये बात। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। मैं ये क्यों बताता रहता हूँ आपको कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है, टेरिस्ट्रियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा एक विजन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूली टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेराइन ऑर्गेनिज्म, मेराइन इन्वायरमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जीएसआई के प्रीलिम्स में अभी एक क्वेश्चन आया था कि कौन से फॉसिल्स की कौन से ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल में कन्वर्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कंडीशन ऑफ प्रिजर्वेशन में बताया था कि टेम्परेरी डिटैचमेंट होना जरूरी है प्रिजर्वेशन के लिए। तो टेम्परेरी डिटैचमेंट में मैंने बताया था कि वो आपका सैंड सिल्ट क्ले साइज पार्टिकल से भी हो सकता है और इवन वाटर कॉलम से भी हो सकता है। और उसमें मैंने ये भी फैक्ट बताया था कि वाई वी आर गेटिंग मोर फॉसिल्स ऑफ मेराइन नेचर, ठीक है। तो वो देखो छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो हर पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है और ये अब फाउंड इन आर्जिलेसियस रॉक। फाउंड इन आर्जिलेसियस रॉक कौन सी होती हैं, ठीक है, आर्जिलेसियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो आपके क्ले सिल्ट साइज पार्टिकल से बनी हुई रॉक्स होती हैं, ठीक है। आरेनेसिस कौन सी होती हैं, जो सैंड साइज पार्टिकल से बनी होती है। रुडासिस कौन सी है, जो कॉन्ग्लोमेरेट बोल्डर जो आपका मतलब ग्रेवल साइज से बड़ी की जो साइज है उससे बनी हुई है। अब ये सैंड सिल्ट क्ले साइज पार्टिकल्स की साइज होती क्या है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो
ये आपका जैसे कि सेल, ब्लैक सेल, इसके अंदर मिलते हैं, और भी आपके जैसे सिल्ट स्टोन है, क्ले स्टोन है, मर्ड स्टोन है, आपका आर्जिलाइट है, इनके अंदर भी इनके फॉसिल जनरली मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंट में नहीं मिलते हैं, बट आर्जिलिसियस रॉक्स हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है। चलो अब इसमें देखो, देवर अबंडेंट इन ऑर्डोविशन टू सिलूरियन पीरियड, देवर अबंडेंट इन ऑर्डोविशन टू सिलूरियन पीरियड, और इनको इंडेक्स फॉसिल की तरह काम लिया जा सकता है। इंडेक्स फॉसिल क्या होते हैं कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जियोलॉजिकल टाइम स्पेन तो बहुत कम है बट जियोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल एरिया में वो बहुत ज़्यादा एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। लिविंग फॉसिल की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको ब्रेकीपोड के अंदर, लेंगुला का बताया था कि वैन वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज चेंज इन मॉर्फोलॉजी इन फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव एंड लिविंग रिप्रेजेंटेटिव, देन वी विल कॉल इट एज ए लिविंग फॉसिल। ये डेफिनेशन पूछी गई थी जीएसआई के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगेन आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो लेक्चर्स आप सिंसियरली देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो पैलेंटोलॉजी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेंथिक एंड प्लैंकटोनिक नेचर मैंने बताई दिया कि बेंथिक आपके कौन से होंगी जो आपकी प्रिमिटिव फॉर्म्स है, और प्लैंकटोनिक आपके कौन से हैं जो एडवांस्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं अपन। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे है कि इसके अंदर एक सिंपल सी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप देख रहे होंगे ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस रोड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, स्टिप। इस स्टिप की प्रेजेंस की वजह से क्या इसको हेमिकोऑर्डेटा में रखा गया है, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे आप। दूसरा, इसके अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीज आर दी कप लाइक स्ट्रक्चर्स। इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, थिका, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर्स को थिका बोलते हैं। अब ये थिका का जो एक एंड है, ये आपका देख रहे होंगे एक कॉमन कैनाल है, यहां पे यहां से लेकर के यहां तक ये जो है ये आपकी एक कॉमन कैनाल है। इस कॉमन कैनाल के अंदर एक एंड इसका ओपन हो रहा है और दूसरा एंड जो है वो इसका आउटर ओशनिक वाटर के अंदर ओपन हो रहा है। तो थिका के अंदर दो एंड है, एक आपका आउटर ओशनिक वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा इंटरनल कैनाल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो आउटर ओशनिक वाटर से जो कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, जो एंड है, इसको आप क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर तो ध्यान में रखना है कि थीका का वो एंड जो ऑर्गेनिज्म को आउटर ओशनिक वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो स्टिप है, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका दूसरा नाम क्या है, पेरिडम भी है, ठीक है। द अनदर नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड पेरिडम। जिस साइड पे माउथ सिचुएटेड होता है उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड, ठीक है। द साइड वेयर द माउथ इज सिचुएटेड और लोकेटेड, दैट इज योर डिस्टल एंड। और इस डिस्टल एंड का जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। अब देखो मैंने बोला है कि ये आपके बेंथिक भी हैं और प्लैंकटोनिक भी हैं। बेंथिक है इसका मतलब क्या है कि अटैच तो होंगे, एपिफोनल होंगे, इनफोनल होंगे, तो अटैच तो होना पड़ेगा उनको ओशन फ्लोर से। अटैच होने के लिए क्या होता है कि इनके जो प्रोक्सिमल एंड है वहाँ पर एक कॉनिकल सिंपल कॉन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस सिंपल कॉन लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, सिकुला। इस सिकुला का जो एपेक्स पॉइंट है, इस एपेक्स पॉइंट से क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जैसे प्लेसीपॉड में अपन ने बाइसस डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको आप क्या बोलते हैं, नेमा। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल हेल्प दिस ऑर्गेनिज्म टू अटैच इट सेल्फ विद द ओशनिक फ्लोर, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ अब इसमें ये जो सिकुला प्लस नेमा, ये जो आलू प्याज वाला है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना प्लीज। चलो अब इसमें देखो, ये जो स्टिप और ये जो नेमा प्लस सिकुला है, इसको मिला करके आप क्या बोलते हैं, वर्गुला बोलते हैं। देखो यहां पे मैंने कहीं लिखा होगा कि वर्गुला। वर्गुला क्या है बेसिकली, वर्गुला क्या है आपका, सिकुला और दूसरे वर्ड्स में बोले तो स्टिप प्लस नेमा, ठीक है। तो वर्गुला क्या है, ये यहां से लेकर के पूरा एंटायर पॉइंट, जो डिस्टल एंड से लेकर के नेमा तक का जो पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हैं, वर्गुला बोलते हैं। वर्गुला की स्पेलिंग देख लेना यहां पे। अब इसमें देखो, जैसे कोरल्स आपकी कॉलोनी बना के रह रहे थे, तो उस कोरल्स की कॉलोनी का एक एक्जो स्केलेटन आया था, उसी हिसाब से एक एक्जो स्केलेटन आपका इसके ग्रेप्टोलाइट्स का भी आता है। तो एक्जो स्केलेटन ऑफ दीज ग्रेप्टोलाइट्स कॉलोनी, दैट इज कॉल्ड रेप्डोसोम। रेप्डोसोम मैं यहां लिख रहा हूं, रेप्डोसोम। इस रेप्डोसोम का दूसरा नाम है पॉलीपेरी। क्या नाम है, पॉलीपेरी।
ध्यान में रखना है इसको कि आपका पॉलीपेरी के नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर, और रेब्डोसोम के नाम से भी पूछा जाता है। रेब्डोसोम इज नथिंग बट दी एक्सोस्केलेटन ऑफ द कॉलोनी ऑफ द ग्रेटोलाइट्स, और कोरलम क्या था? एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉलोनी ऑफ कोरल्स। ठीक है, याद आ गया, चलो याद करते रहना साथ साथ में, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो आपका ये स्टिप है, ये थीका है, इसको अपन सिंपलेस्ट डायग्राम में शो करना चाहें तो इस तरह से आएगा, ये आपका सेकुला आ गया, ये आपके थीका आ गया, और ये आपके स्टिप हो गए, तो इसको आप बोलते हैं यूनिसीरियल। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? यूनिसीरियल। और इस यूनिसीरियल का नाम क्या है? मोनोग्रेप्टस। व्हेन देयर इज वन स्टिप, वन सेट ऑफ थीका एंड वन सेकुला, दैट इज योर यूनिसीरियल एंड द नेम इज मोनोग्रेप्टस, याद हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जब आपका एक कॉमन स्टिप है और टू सेट ऑफ थीका है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? बाईसीरियल, बाईसीरियल। ठीक है, और बाईसीरियल का दूसरा नाम अपन क्या देखते हैं इसमें? डिप्लोग्रेप्टस, हो जाएगा याद। फिर आपका है टेट्रासीरियल और साइक्लोग्रेप्टस। इसमें क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल डिस्क है, और सेंट्रल डिस्क से आपके क्या हो रही है? चार स्टिप जा रही है, और फोर सेट ऑफ थीका भी अपने पास में है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? टेट्रासीरियल और साइक्लोग्रेप्टस। समझ में आगे बात। अब देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है स्टार लगा करके, इसमें देखेंगे कि ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, इस एंगल ऑफ डाइवर्जेंस को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? थीटा से। ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या इंडिकेट करता है? इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है। इवोल्यूशन को इंडिकेट कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं हट रहा हूँ यहाँ से, साइड से हो रहा हूँ, आपको जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि जो आर्जिलिसियस रॉक्स है, जिसमें सैंड सिल्ट क्ले साइज पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा था, सैंड आपके आरएनएसएस में आती है, उनकी वुडन वेंटवर्थ और फाई स्केल के अंदर साइज क्या है वो मेरे को आप बताएंगे, ठीक है। चलो मैं इसका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस के बेसिस पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि इनिशियली क्या होता है कि इसके अंदर इस तरह की कंडीशंस होती हैं, जैसे हैंगिंग डाउनवर्ड स्टिप्स है, ठीक है, हैंगिंग डाउनवर्ड स्टिप्स है, इसको आप क्या बोलते हैं? पेंडेंट कंडीशन, पेंडेंट कंडीशन। और पेंडेंट कंडीशन का एग्जांपल क्या है आपका? डाई डिमोग्रेप्टस। एग्जांपल इज डाई डिमोग्रेप्टस। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आ चुका है और फिर भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। तो व्हेन टू स्टिप्स आर हैंगिंग डाउनवर्ड वर्टिकली एंड द थीका आर फेसिंग ईच अदर, दिस इज कॉल्ड पेंडेंट कंडीशन, एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन इज डाई डिमोग्रेप्टस, हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो थीका है, ये इसके अंदर डाइवर्जेंस चालू हुआ, ठीक है, डाइवर्जेंस। तो जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो इस तरह से आएगी, थीका स्टिल फेसिंग ईच अदर, फिर और फर्दर डाइवर्जेंस होगा तो क्या होगा? इस तरह की कंडीशन आएगी। फिर जो मैक्सिमम डाइवर्जेंस होगा तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बट स्टिल थीका आर फेसिंग डाउनवर्ड, नाउ थीका आर फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है। फिर क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा तो एक इस तरह की कंडीशन आएगी, इस तरह की कंडीशन में क्या होगा? थीका आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? स्कैंडेंट कंडीशन, ठीक है। मैं डायग्राम हटा दे रहा हूं यहां पे, यहां पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? स्कैंडेंट कंडीशन, ठीक है, स्कैंडेंट कंडीशन। और इस स्कैंडेंट कंडीशन का एक एग्जांपल क्या है? डिप्लोग्रेप्टस, डिप्लोग्रेप्टस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसके बेसिकली इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है, आपने कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका है नहीं, तो ये इतना ही है। ग्रेप्टोलाइट्स में कुछ ज़्यादा खास कहानी इसकी है नहीं, इतना भी कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाए, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको अगर जुड़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारी सारी बुक्स मिलती रहेंगी, PDFs मिलते रहेंगे, हैंडआउट्स मिलते रहेंगे, और कोई किसी भी तरीके का अपडेट होगा तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई नया इनिशिएटिव हम लेने जाएंगे तो उसके बारे में वहाँ पर पोल करवाते हैं, तो जितना ज़्यादा मेजोरिटी होगा जिस साइड होगा उसी हिसाब से वो इनिशिएटिव या तो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सो आप अपने आप को टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ लेना, ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगा आपको, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे।